लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप मेरी शादी करवाएं? किसने हक दिया है आपको मेरी शादी तय करवाने का? क्या मेरी मर्जी और मेरी इजाजत जरूरी नहीं है? पिंजरे में कैद चिड़िया की इजाजत नहीं पूछी जाती, बल्कि उसे सयाद के कहने पर अमल करना पड़ता है, वरना उस चिड़िया की गर्दन तोड़कर मरोड़कर फेंक दी जाती है। दीवान! एक मिनट, ज्यादा जोश में मत आओ। गतिडा, मैं तुम्हें एक चलती फिरती तस्वीर दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हारा सारा जोश खत्म हो जाएगा। ये देखो, तुम्हारी माँ जैसे तीर्थ यात्रा के बहाने भेजा गया था, इस वक्त कहाँ पूजा कर रही है? 24 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो तुम्हें गोलियों का निशाना बना दिया जाएगा और तुम्हारी माँ को शेर का निवाला। मीना, ये तुम क्या कह रही हो? शालू, तुम राजू को तलाश करके उसे इस बात की खबर कर दो। मैंने वीरू को फोन किया था लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तुम कुछ भी करो शालू, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचा लो। चुप के कौन से आने वालों को फोन कर रही है? गुरु, शालू का टेलीफोन है, जल्दी अर्जेंट। हेलो, क्या कहा? मीना की शादी किसी और के साथ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा सीएडी ऑफिसर वीरू से मिलना बहुत जरूरी है। सॉरी मैडम, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, अंदर एक बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस चल रही है। सर, स्मगलर हरी के बचने की खास वजह यह है कि वो कभी एक हुले में नहीं रहता, हमेशा अपना फेस बदलता रहता है। यहाँ तक कि आज तक मुझे भी नहीं मालूम कि उसकी शक्ल कैसी है, लेकिन मैंने उसके हर भेस में मिनी कैमरे से फोटो ले लिए हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट गौर से स्टडी करें तो उसकी असली शक्ल सूरत का खाका बनाने में कामयाब हो सकते हैं। यस, इट्स अ गुड आइडिया। इंस्पेक्टर साहब, राजू जानवरों की स्मगलिंग कर रहा है और फॉरेस्ट रेंजर की जान भी उसने ली है। अगर आप उसकी लॉरी की तलाशी लेंगे तो आपको सब सबूत मिल जाएंगे। ऑल राइट। दुल्हन की गाड़ी को ठीक से सजा दिया है ना? जी, बिल्कुल ऐसा सजाया है जी कि दूल्हा दुल्हन थोड़ी देर के बाद आकाश में हनीमून मनाएंगे जी और चांद तारे तालियां बजाएंगे जी। आइए नाकाम आशिक साहब, बारात तो जा चुकी है, आप शायद कुर्सियां उठाने और प्लेटें धोने आए हैं। प्लेटों को तेरे खून से धोने आया हूँ। तूने रात धमका कर मेरी मीना की शादी किसी गैर आदमी से कर दी, मेरे प्यार को तबाह कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर राजू, हमने तुम्हारी लारी को तलाशी के लिए चेक पोस्ट के पास रोका, तुम नहीं रुके, ये जुर्म है। इंस्पेक्टर, क्वीन चेक द लॉरी। मेरी लारी की तलाशी किस लिए? इसलिए कि तुम इस लारी में जानवरों की स्मगलिंग कर रहे हो और जिस आदमी का खून किया है उसकी लाश भी इसी में है। सर, खबर सच निकली, इसमें जानवर भी है लाश भी। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर इंस्पेक्टर? सर, जो खबर मिली उसी के अनुसार हमने इसकी लारी की तलाशी ली और उसमें इसम मिले। वीरू, ये सब झूठ है, सब धोखा है। तुम्हें नहीं मालूम कोबरा ने जानबूझकर मीना की शादी करवा दी है और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए जेल भिजवाना चाहता है। मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। नहीं करूंगा। हट जाओ वीरू, छोड़ दो मुझे वीरू। इस वक्त सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, कानून की नजर में तुम गुनहगार साबित हो चुके हो, इसलिए तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वीरू, तू भी मुझे गलत समझ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिल जाते, अंधेरे में मुंह छुपाए मुजरिमों को रोशनी में लाकर उनका चेहरा कानून को नहीं दिखाया जाता, तब तक तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा। प्लीज राजू, ये सब झूठ है वीरू, ये सब झूठ है।
सम्मुख क्या कह रहे हो तुम? गुरु, शादी के बाद मीना जिस गाड़ी में जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया, सुना है वो मर गई। नहीं, कोबरा ने इस बंगले को किसी बड़े जमींदार को बेच दिया है और उसका जंगल में जो बंगला है वो वहां रहता है। वीरू, मेरे गुरु ने खत दिया है तुम्हारे नाम। मेरे जाली दोस्त वीरू, मुझे शक है कि कोबरा ने जानबूझकर मीना का कत्ल किया है, और मैं ये भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि कोबरा और उसके साथियों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गिरफ्तार करवाया है। उनसे बदला लेने के लिए मैं जेल तोड़कर जा रहा हूं। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं मीना की मौत का बदला लेकर रहूंगा, भले मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अब भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि तुम और शालू हमेशा खुश रहो। वीरू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ शालू, मेरा दोस्त राजू जो जेल तोड़कर भाग निकला है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, इस स्मगलर हरि को कानून के हवाले करना भी मेरा ही जिम्मा है। वीरू, ये वही आदमी है जिसने मेरी मां को धोखा दिया, उसकी मौत का कारण बना। ये देखो, वीरू, मैं भी तुम्हारे साथ उस नीच को पकड़ने चलती हूं। ठीक है चलो आओ। शालू, सड़क पर चारों तरफ से कोबरा के आदमी हमारे इंतजार में होंगे, इसलिए इस किश्ती में समुंदर के रास्ते पूरा किनारा घूमकर हम जंगल में पिछले रास्ते से दाखिल हो जाएंगे। हमारा प्लान कामयाब रहा, दुश्मनों को बम मार के उनके छींटे उड़ा दिए। मिस्टर हरी, तुम सिर्फ भेष बदल सकते हो, काम कुछ नहीं कर सकते। देखा, हमने यहाँ बैठे बैठे दुश्मनों को यूं सफाया करके रख दिया। आप अपनी तारीफ के ढोल अपने मुंह से पीटिए, और आपको कंपनी देने के लिए ये हाथों से ढोल बजाता। शालू, डरो नहीं, लगता है ये हमारी मदद के लिए आई है, वरना हमारे मुंह पर पानी फेंक कर हमें होश में क्यों लाती? अरे देखा शालू, हमें प्यार कर रही है। अरे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, तुम भी हाथ मिलाओ। वीरू, भगवान की दया से हम अब तक जिंदा तो हैं, अब जो खाने को कुछ मिल जाए तो जान में जान आए। आप,
लगता है ये हमारी बात समझ गई, कुछ खाने को लाने गई है। अरे देखो हमारे खाने के लिए फल फेंक रही है। हाँ। चलो कितनी अजीब बात है शालू, इंसान हमें मारने की कोशिश कर रहा है और ये जानवर हमें जिंदा रखने में मदद कर रहा है। ऐसा लगता है कि हम जंगल में मंगल मना रहे हैं। क्यों है ना?